बताओ कौन सी आईडी है मेरी। ये देखो ये एक है बस, देखो मैं बताती हूँ। देखो एक फॉलोवर, देखो ये रहे एक। कौन सा? ये रहा एक, बस एक का ही है। एक फिंगर हटा, नहीं फिंगर हटा जल्दी। इतने शानदार फॉलोवर है, झूठ पकड़ा गया। तो गाइस सुबह की राम राम भाई सभी को, राम राम जी। और क्या है कि अभी हम ब्लॉग एंड नहीं कर पाए थे, मतलब एंड तो करना नहीं है, 3 दिनों की कहानी पूरी बताना है मुझे। तो क्या है कि अभी दूल्हे राजा उधर खड़े, मुझे इनके साथ। अरे दूल्हे राजा कटार बता दो, दूल्हे राजा कटार देख लो भाई, दूल्हे राजा कटार। तो क्या है कि अब हम अभी मंडप वंडप कहाँ चल रहा है? चलो ठीक है भाई, बल्लम लेने जा रहे हैं, बल्लम तो पता नहीं होगा। तो क्या है अभी नहाना भी है, बहुत दालदारी लग रहा है। तो अभी मंडप की तैयारी चल रही है, तो अभी चलते हैं, बहुत काम करना है फिर नहाएंगे। ये देखो भाई, पता नहीं शादी में क्या क्या काम होते हैं, हमने वो मालूम भी नहीं पड़ता। और मंडप की तैयारी चल रही है, वो बांस वांस सब रख ली है। और ये इधर देखो बढ़िया काम चल रहा है, हम थोड़ा मंडप की तैयारी करवा लें फिर इसके बाद नहाएंगे। तो गाइज अपन तो क्या है, नहा धो के रेडी हो चुके हैं बढ़िया कपड़े लत्ते में। और ये दूल्हे के साथ रहने का काम है मेरा, इसने बोला है दूल्हे ने। क्या बोला है तुम? मेरे साथ रहना भाई, अब भाई इसके साथ रहना है, क्योंकि यार क्या है कि इसके साथ अभी कोई नहीं है ना, सब काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा था। तो मैंने कहा चलो अब रह जाऊंगा, अब मेरा काम से फ्री हो चुका हूँ, तो अब दूल्हे के साथ रहूंगा बढ़िया, क्योंकि इसके साथ एक रहना जरूरी है। तो अभी इसके साथ घूमेंगे फिरेंगे दिन भर और बढ़िया इंजॉय करेंगे। मंडप वंडप तो घल ही गया है बढ़िया एक नंबर। और अब देखते हैं क्या क्या और सीन है यहाँ पर, फिर उसके बाद रोटी उधर खवाना है, मतलब कार्यक्रम उधर है, अभी मेहमान भी आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी देखते हैं और क्या क्या होता है। देखो रात को कुछ क्या सीन था, और अब दिन में देखो ये लग चुका है भाई टेंट बढ़िया मस्त तरीके से। इधर ही होगा कार्यक्रम, ये अपना कार्यक्रम का स्थल है मेन रोड पे इधर। और ये देख लो इधर, और ये देख लो इधर, लाइन बिल्कुल चालू है कर रहे में, लुक में आ जाएगा अब, लुक के देख लो भाई चालू हो चुका है। इधर भले ही पब्लिक नहीं है लेकिन पहले निकालना पड़ता है। इधर देख लो पूरी, और इधर देख लो ये सबसे मेन चीज, और सब्जी भी रेडी हो चुकी है, सब काम चालू है, बस अब पब्लिक मेहमान उधर आ गए घर पे, इधर आ जाएंगे खाने के लिए, सब खाना बन चुका है रेडी हो चुका है। ये गाइस देख लो खाना स्टार्ट हो चुका है, हम उधर ब्राउनी में लगे हुए थे, इधर ये काम चालू हो चुका है। तो गाइस क्या है कि अभी हम सबने खाना खा लिया, और अभी हम दोनों नहीं खाया क्योंकि हम दोनों जब से भूखे मर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ रहने में भूखा मरना जरूरी है। और इसका इंट्रोडक्शन करा दूं मैं, ये है बाबू, ये मेरी मामी की क्या लगती है तू, मामी की भतीजी। तो क्या है कि हम तो दोनों भूखे मर रहे हैं जब से ये दूल्हा और मैं, क्या है कि आप जा रहे हैं हम खाना खाने। तो मैंने कहा बाबू ब्लॉग में बोल रही थी, बाबू ने मेरे को ब्लॉग में क्यों नहीं लिया, तो मैंने कहा तू भी आ जा ब्लॉग में, मैंने कहा चलो बाबू को और ले लेते हैं ब्लॉग में। बाबू कैसा लग रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दो हमारे ब्लॉग में। अब ऐसा मत बोलना माय नेम इज बाबू है ना, ये क्या, ये इंदौरी है, इंदौरी इंदौर के रहने वाले हैं हमारे, भोपाल के नहीं, मैं भोपाली हूँ तो इंदौरी हूँ। चलो बाय, फिर मिलते हैं रात में डांस करते समय, लेकिन ये तो चले जाएंगे डांस करके जाना। तो गाइज हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, गाइज अब हम जा रहे हैं खाना खाने कार से, इधर चल रहा है ढोल का आनंद, और इधर कार भैया हमारे दूल्हे राजू चलाना, उसको तो आती है क्योंकि वो तो शोरूम पे से तो वही लेके आया था ये। तो क्या अब हम जाएंगे खाना खाने कार से ही बढ़िया मस्त इंजॉय करते करते, चलो जाने दो ये भाई कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है गाइज चलते हैं बढ़िया मस्त इंजॉय करते करते, मजे ले रहा है फुल,
हमारे दूल्हा राजा सीधे बैठे हो तुम, थोड़ी सीट थोड़ी इधर उधर कर लेते भाई, ज्यादा दूर नहीं है हमारा खाने का सिस्टम, लेकिन देखो फिर भी कार से आ रहा है, रोला जमाना है भाई, लड़के को रोला। गाइस हो गया पोपट, आए थे खाना खाने के लिए, खाना ही चला गया सब कुछ, अब घर पे खाना खाएंगे क्योंकि घर पे चला गया पूरा खाना। भाई पोपट पे पोपट हो रहा है पूरा। कितनी बज गई? 4 बज गई। कहाँ खाते हम 4 बजे खाना, कहाँ खा रहे हैं अब? ओ सॉरी, कहाँ खाते हम सुबह 10 बजे खाना, और जहाँ अब हम खाएंगे 4 बजे। पोपट पे पोपट करवा रहे हैं भाई से। चलो ठीक है, जो भी है खा लेंगे आराम से, शादी का माहौल है। मैं भी तो हूँ भूखा। चलो ठीक भाई, एक नया सीन आ चुका है, भाई को लगने वाली है हल्दी। वो क्या है कि वो हम खाना खा रहे थे जब से, तो अभी तो अब लगने वाली है हल्दी, देख सकते हो आप। हल्दी लगने की प्रोसेस आज बताऊंगा मैं फुल अच्छे से। ये बाल कुछ ज्यादा बड़े लग रहे हैं यार, क्या करूँ मैं इनका, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, इन दिनों टाइम ही नहीं मेरे पास बाल कटवाने का। लगा तो भी थोड़ी क्या, हमने तो भी लगा तो भाई अभी हम आए गाइस, क्या है कि काले पीपल के रेलवे स्टेशन पर इन दोनों को छोड़ने। ये कहाँ जा रहे हैं? इंदौर है। हाँ। इंदौर जाओगे तो? हाँ। के और कहीं जा रहा है? नहीं इंदौर। तो गाइस ये क्या है, ये ट्रेन से आए थे तो इन्हें क्या छोड़ने आए हम, और ये काला पीपल रेलवे स्टेशन नजदीकी रेलवे स्टेशन है तो इन्हें छोड़ने के लिए आए। मैं बताता हूँ कौन सा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से मैं वैष्णो देवी गए था ना वही वाला रेलवे स्टेशन है, याद हो तो लिंक डाल दूंगा उस ब्लॉग की। इधर वो पूछ के क्या पूछ क्या है, क्या पूछ के डी2 क्या होता है, व्हाट इज योर डी2। ये देखो भाई काला पीपल के रेलवे स्टेशन जहाँ से मैं गया था ना वैष्णो देवी। हाय गाइस, ये बाबू है। तो क्या है, ये वाला रेलवे स्टेशन है काला पीपल, वो लिखा हुआ है, इधर दिख नहीं रहा होगा, बाकी मैं यहीं से गया था वैष्णो देवी। इनको छोड़ने आए दूल्हे राजा भी काम कर रहे हैं, बहुत गलत बात है उनकी शादी में ही, क्या करूँ मैं, काम ही इतना है। हाँ बाबू क्या बोलना चाहते थे तुम? मैं बोलना चाहती थी भैया से मोबाइल छीन के मैंने ना क्या याद ही नहीं है तो। आईडी देख ली थी। हाँ। तो इनके ना बहुत फॉलोवर कम, एक बस एक। अच्छा। बस एक फॉलोवर, एक फॉलोवर। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी बता फिर लोग देखेंगे। एक फॉलोवर। मेरी आईडी बता दो। मुझे नहीं पता। अंकित राठौर, अंकित राठौर फॉलो करके रखी मैंने। अंकित राठौर साहब, अंकित राठौर साहब, आप तो गाइस देख लो मेरे इंस्टाग्राम के आईडी के बहुत चर्चे हैं। अरे नहीं, अरे नहीं, इनके आईडी पे एक फॉलोअर से तो वही हम दिखा रहे थे। नहीं है, नहीं है, ज्यादा है, बताएंगे ना हम। बताओ कौन सी आईडी है मेरी? ये देखो, ये एक है बस, देखो मैं बताती हूँ, देखो एक फॉलोअर, देखो ये एक। कौन सा? ये रहा एक, बस एक ही। फिंगर हटा, नहीं फिंगर हटा, जल्दी देखना गाइस, एक फॉलोअर, कितने शानदार फॉलोअर है, झूठ झूठ पकड़ा गया गाइस। ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन तो निकल गई, ये क्या हुआ? ओ जाओ उठा के फेंक दूंगा इस पे भाई, ट्रेन निकाल दी इन दोनों ने। आप कैसे जाओगे अब? हम इंदौर थोड़े नहीं छोड़ के आएंगे तुम्हें, पैदल जाना, पैदल जाओ अब तुम। चलो ठीक है बाबू बाय, जा रहे हैं हम, ट्रेन भी गई। हाँ चेहरा ही दिख रहा है, नहीं अब ये बैक कैमरा है ना। तो गाइस ये देख सकते हो गाड़ी सफा हो रही है भाई, इधर दूल्हे राजा ही कहाँ साफ कर रहे हैं हमारे। मैं कपड़ा और बाल्टी लेके ये देखो उधर गाना बज रहा है, इधर क्या है दूल्हे की गाड़ी यही है ना, तो इसको सजाना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ये देखो भाई मैंने है ना पूरी सफा कर भाई, अब गाड़ी सजना शुरू हो चुकी है, रिबन सब बन चुके हैं। ये देखो यहाँ पर ये भाई बड़े खतरनाक, ये जो भाई है ना ये क्या है कि फूल लगा रहा है। ये देखो इनको ही आता है ये खोलना, इनको ही आता है बस, और किसी को नहीं आता, यहाँ तो बस हमें कपड़ा मारना आता है। सजना में घर जाओगी, हम याद बहुत
नशा।